शिव बाबा के मंदिर में जाओ, पूछो, उस पर फूल माखन गुलाब के फूल वैरायटी वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में कभी अक के फूल नहीं चढ़ावेंगे। शिव के मंदिर में वैरायटी फूल चढ़ाते हैं, अक के भी चढ़ाते हैं तो गुलाब के भी चढ़ाते हैं। कृष्ण के मंदिर में बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं और शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के भी फूल चढ़ाते हैं। अर्थ कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चे तो जानते हो क्या अर्थ है। शिव का मंदिर कौन सा और कृष्ण का मंदिर कौन सा? शिव का मंदिर शांति धाम और कृष्ण का मंदिर सुखधाम। शांति धाम में तो हर तरह की आत्माएं रहती है और सुखधाम में श्रेष्ठ आत्माएं ही निवास करती हैं। उनके मंदिर में कब्रस्तान क्यों दिखाते हैं? कब्रस्तान जैसा उनके मंदिर में, शिव के मंदिर के अंदर कब्रस्तान दिखाते हैं? एक और शिव का मंदिर मोस्टली कब्रस्तान में बनाया जाता है, शमशान में बनाया जाता है। उल्टा क्यों बोल रहे हैं? शमशान जहाँ जहाँ होते हैं मोस्टली शहर से बाहर होते हैं और जहाँ शहर से बाहरी हिस्सा होता है वहाँ शिव के मंदिर होते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिव को मुर्दा घाट पसंद है, इसके बीच में रहना है। बाप के साथ कौन रह सकेंगे? अथवा उल्टे अर्थों में कहें, बाप किनके साथ रह सकेगा? जो पूरे मुर्दे बने हुए होंगे उनके साथ बाप रहता है। संपन्न स्टेज में अगर बाप के साथ रहना है, बाप का साथी बनना है तो क्या बनना है? मुर्दा बनना। और मुर्दों का स्थान कहाँ होता है? शमशान घाट में। तो शमशान घाट में वो शिव के संपूर्ण स्टेज के मंदिर बनाए जाते हैं।